गाइस यार मैंने अभी ये मास्क खरीदा लॉस सैंटोस के मेले से। और गाइस यार मैंने सोचा कि भाई ये मास्क पहन के आज मैं सिंचैन को डराने वाला हूँ। भाई साहब आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो यार फटाफट से चलते अभी घर पे। पता नहीं यार अभी ये सिंचैन क्या कर रहा होगा यार घर पे। खैर भाई जाकर ही पता चलने वाला है। और वैसे भी यार भाई मैं घर पे पहुंच ही चुका हूँ। भाई अभी मेरी गाड़ी पे टूक जाता भाई बड़ा सा स्क्रैच आ जाता। वैसे यार भाई ये गाड़ी जो यार देख रहे हो गाइस मैंने कल ही मॉडिफाई करवाई है। भाई साहब क्या ही बढ़िया लुक आ रहा है यार इस गाड़ी का। और यार ये मास्क देखो यार भाई साहब कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मुझे तो लगता है भाई सिंचन आज अपनी पैंटी गीली करने वाला है। लगता है भाई उठ चुका होगा। एक सेकंड भाई चॉप यहीं पर है ना। भाई सबसे पहले चॉप को डराता हूं। एक सेकंड गाइस थोड़ा एकदम धीरे धीरे नीचे जाते हैं और भाई साहब चॉप को डरा दूंगा मैं। पता नहीं ये क्या कर रहा है यार यहाँ पे अकेले अकेले। यार ये टाइम पे तो ये सिंचन के पास रहता है। चलो हेलो तुम कौन हो? अब भाई तू कौन है यार? मैं हूँ लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा राक्षस। अब भाई मुझे मत खा जाना यार मैं एकलौता कुत्ता हूँ हमारे कलवे का। नहीं नहीं आज तो मैं तुझे कहा कर ही रहूंगा। अबे भाई प्लीज छोड़ दे यार मुझे। नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुझे कहा कर ही रहूंगा। अबे भाई प्लीज यार छोड़ दे भाई तेरे पैर पड़ता हूँ यार। प्लीज भाई मेरे कलवे को आने दे। बाद में भाई तू मुझे खा लेना और मेरे कलवे को भी। नहीं नहीं मैं बस कुत्तों को खाता हूँ। अबे प्लीज यार भाई मुझे मत खा यार। नहीं मैं तो तुझे कहा कर रहूंगा। रुक जा अभी तुझे पकड़ता हूँ। अबे नहीं यार भाई प्लीज छोड़ दे यार। अबे रुक जा भाई एक सेकंड। तेरे पास से हमारे कलवे की क्यों बात आ रही है मुझे? अबे यार भाई चौप तूने पहचान लिया मुझे? अबे भाई कलवे तू? अबे हाँ भाई मैं ही हूँ। मैं तुझे बस डरा रहा था। और यार भाई तू कितना बड़ा डरपोक डॉगी है यार। अबे भाई कलवे ये कितना खतरनाक सा मास्क है भाई साहब ये कहाँ से मिला तुझे? अबे भाई मैं ये तुम दोनों को डराने के लिए लेके आया हूँ आज सुबह सुबह मेले से। अबे भाई कलवे भाई साहब मैं तो डर ही गया था भाई साहब मेरी जान निकलने वाली थी अभी तो। अबे भाई साहब गाइस ये चौप देख रहे भाई साहब कितना ज्यादा डर गया था। अभी चलते भाई सिंचन को डराते। भाई चौप ये सिंचन कहाँ पर है? अबे भाई कलवे वो तो सोया अभी तक घोड़े बेचकर। ठीक है भाई रुक जा अभी जाकर उसको डराता हूँ। भाई साहब ये सिंचन पता नहीं भाई सिंचन का क्या रिएक्शन होने वाला है। वो रहा सिंचन भाई चलो यार धीरे धीरे करके जाते उसको भी डराता हूँ। भाई साहब मुझे नहीं पता भाई वो क्या करने वाला है। पर यार गाइस लगता तो ऐसा ही है कि भाई वो चड्डी गिली करने वाला है। लेट्स गो गाइस थोड़ा चलता उसके सामने। हेलो हेलो सिंचन हेलो। भाई ये तो उठ ही नहीं रहा यार। ऐसे कौन से नशे करके सोया है भाई ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलो गाइस एक काम करता हूँ यार ऊपर चढ़ता हूँ। लेट्स गो गाइस अभी सीधा उसके मुंह के सामने जाता हूँ। हेलो ये कौन आ गया यार? अरे यार राक्षस कहाँ से आ गया हमारे घर के अंदर? बचाओ यार प्लीज बचाओ मुझे कोई। चौप फ्रैंकलिन भैया बचाओ ना यार मुझे। यार मुझे रोना आ रहा है यार मेरी पैंट गीली हो जाएगी। प्लीज बचाओ। अरे यार कोई मदद करो मेरी। शांत बैठ नहीं तो अभी तुझे मैं कहाँ जाऊंगा। प्लीज यार मत कहना मुझे। प्लीज 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 यार तुम जो कोई भी हो यार तुम्हें चाहिए उतने पैसे दूंगा मैं। पर यार मुझे मत खाना प्लीज 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 मत खाना यार मुझे। नहीं आज तो मैं तुझे खाने के लिए आया हूँ। अरे नहीं यार प्लीज ऐसे मत करो यार। एक सेकंड ये कपड़े तो जाने पहचाने लग रहे। क्या जाने पहचाने लग रहे? किसके तरह लग रहा हूँ मैं? ये तो मेरे फैंकी भैया की तरह लग रहे हो यार तुम। अब यार तूने भी पहचान लिया मुझे? ए फैंकी भैया आप? हाँ भाई मैं ही हूँ यार सिंचन। भाई तूने भी पहचान लिया मुझे? ए तो यार ऐसे कपड़े पहन के आओगे तो यार तुम्हें पहचान ही लूंगा मैं। पर यार तुम मुझे डरा क्यों रहे थे? मैं तो बस ऐसे ही भाई प्रैंक कर रहा था तेरे साथ। क्यों यार प्रैंक कर रहे थे यार? अच्छी कैसी नींद खराब कर दी मेरी। अबे यार भाई यही तो चाहिए था मुझे। मुझे तो लगा भाई आज तू अपनी पैंट गीली करने वाला है। अरे यार जाओ यार मैं नहीं डरता किसी राक्षस से। ठीक है भाई देख लिया मैंने भी देख लिया और हमारे सारे ऑडियंस ने भी देख लिया कि भाई तू कितना ज्यादा डरा हुआ था अभी। अरे नहीं यार मैं नहीं डरा था फैंकी भैया। चलो यार एक काम करते मेरे दोस्तों को भी जाकर डराते। ठीक है भाई चल जाकर डराते तेरे दोस्तों को। भाई साहब वो भी क्या याद रखेंगे। भाई साहब आज तो बहुत ज्यादा मजे करेंगे यार क्योंकि ये मास्क। एक सेकंड सिंचन वो देख लावो गॉड। क्या लावो गॉड कहाँ पर यार? अरे वो देख भाई सामने लावो गॉड। और ये यहाँ क्या कर रहा है बे? भाई साहब इसको तो यार हम लोगों ने खत्म कर दिया था ना एक टाइम पहले। अरे वही तो यार फैंकी भी पता नहीं ये कहाँ से आ गया। अबे भाई सिंचन मुझे तो लगता है भाई कोई मुसीबत आने वाली है जो कि यार अभी पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर सकती है। मुझे तो लगता है भाई आज सच्ची में भाई साहब ये लॉस सैंटोस खत्म होने वाला है। पर ये वैसे यहाँ पे कर क्या रहा है यार? जस्ट नॉर्मली खड़ा है भाई कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। पहले रुको यार भाई सबसे पहले ये मास्क उतारता हूँ। भाई साहब ये मास्क भाई पता नहीं अजीब सा लग रहा है मुझे और भाई खुद से डर लगने लग गया मुझे। एक सेकंड भाई मास्क उतारता हूँ। हेलो भाई कोई बात नहीं मास्क तो उतार दिया। एक सेकंड भाई ये क्या हो गया? अरे यार फैंकिंग भैया ये सब क्या हो रहा है यार लॉस सैंटोस के अंदर? भाई मैंने बोला था ना वो लावागढ़ कुछ ना कुछ करने वाला है। एक सेकंड भाई ये सब क्या गिर रहा है यहाँ पे? भाई ये लावागढ़ कर क्या रहा है यार? भाई ये भाई यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इतने सारे मिट्टी और क्यों गिर रहे हमारे घर के ऊपर। अरे यार हमारे घर के ऊपर नहीं पूरे लॉस सैंटोस के अंदर गिर रहे यार ये तो। अरे यार फैंकिंग भैया ये सब क्या हो रहा है यार प्लीज मुझे कुछ समझाओ यार। भाई मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा यार। भाई एक सेकंड यार सिंचन यहाँ पे साइड में आ जा कहीं हमारे ऊपर ये मिट्टी और नहीं गिर जाए। भाई गाइस आप देख रहे हो भाई साहब अभी तो यार पूरा मौसम साफ था। एक सेकंड भाई कितना बड़ा मिट्टी और गिर रहा है यहाँ पे। अरे यार फैंकिंग भैया प्लीज यार बचा लो यार हमारी जान। भाई साहब अभी ये एक ही इंसान रोक सकता है।
सकता है। कौन यार? भाई वही लावा गॉड, पता नहीं यार अभी वो किस वजह से गुस्सा है लॉस सैंटोस के ऊपर। तो चलो ना यार जाके उससे पूछ लेते। भाई सिंचाई तुझे लगता है वो सुनने की हालत में होगा? तू यार देख रहा कितने सारे मीटियोर्स गिर रहे लॉस सैंटोस के अंदर, और वो इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा है जो कि यार भाई उससे लग भी रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में। मुझे नहीं लगता कि भाई हम लोग कुछ कर सकते अभी, मुझे तो अभी ऐसा ही लगता कि भाई हमारा लॉस सैंटोस आज खत्म होने वाला है। अबे नहीं भाई, कलवे जाके एक बार बात कर ले, क्या पता तू उसकी मदद करके ये तबाही रोक दे। अबे भाई चौप, तुझे लगता है ये हो सकता है? अबे हाँ भाई बिल्कुल लगता है यार। भाई क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा यार। गाइस क्या करूँ यार, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं जाऊँ लावा गॉड से बात करने के लिए एंड देखूँ कि भाई उसको कौन सी चीज की मदद चाहिए या फिर वो किस वजह से गुस्से में है यार। पर यार फ्रैंकी भी हमें लॉस सैंटोस को बचाना होगा किसी भी हालत में। पर यार भाई ये मीटियोर्स के बीच में कैसे जा सकते हम लोग बाहर? एक सेकंड भाई ये रुक गई क्या? नहीं भाई अभी भी आ रहे। अरे यार तो चलो ना यार फटाफट से जाके लॉस सैंटोस को बचा ही लेते। अच्छा ठीक है भाई, चल यार सिंचर जाते यार लावागौड़ से बात करने के लिए। एंड गाइस यार आप चाहते हो कि हम लोग लॉस सैंटोस को बचा ले, तो गाइस यार जाओ यार आप फटाफट से इस वीडियो का लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि यार गाइस हमें हिम्मत मिल सके इस लॉस सैंटोस को बचाने के लिए। अभी तो चलते, एक सेकंड भाई हमारी गाड़ी जस्ट बच गई यार। भाई साहब नहीं तो हम लोग अभी इस जगह पे मर जाते। भाई साहब देख रहे हो कितना बड़ा मीटियर गिर चुका हमारी गाड़ियों के ऊपर। भाई साहब यहाँ से जल्दी भागना होगा। एक सेकंड भाई ये सब क्या हो रहा है? भाई निकलते हैं यहाँ से फटाफट। एक सेकंड भाई ये क्या है यार? अरे यार पैंकिंग पे थोड़ी देख के चला ना यार। भाई सिंचा तू क्यों आया यार मेरे साथ? अरे यार मैं तुम्हें थोड़ी ना अकेला छोड़ सकता हूँ। अबे यार अभी ये लाओ गोड़ा। ओ भाई साहब भाई बच गए यार। भाई साहब ये देख रहे हो क्या, जस्ट बचे गाइस हम लोग। भाई अभी हमारी जान अभी बस ये लावा गॉड ही बचा सकता है। अब वही बता सकता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो गाइस यार चलते फटाफट से लावा गॉड के पास, लेट्स गो। तो गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके लगभग लावा गॉड के एकदम करीब पहुंच चुके यार। अब इससे बात कैसे करें यार? भाई वो समझ नहीं आ रहा यार, वो रहा इतना बड़ा और भाई हम लोग इतने छोटे, भाई अब क्या करें? अरे यार पैंकिंग पे एक काम करते यार, किसी ऊंचाई वाली बिल्डिंग पे चले जाते और भाई साहब क्या पता वो ऐसे वो हमारी आवाज सुन ले। पर भाई ऐसी कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पे? भाई देखने दो मुझे। अबे ये देखिए, ये रही हमारी पीछे वाली बिल्डिंग। चल भाई इसी के ऊपर चलते फटाफट से। लेट्स गो गाइस, चलते इस बिल्डिंग के टेरेस पे जाके फटाफट से लावा गॉड से बात करते हैं। लेट्स गो भाई, कहाँ से जाना पड़ेगा? एक सेकंड भाई, इसके एंट्रेंस कहाँ पर है? चलो चलो भाई मिल गई। चलो गाइस जाता हूँ बिल्डिंग के टेरेस पे फटाफट से, लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, हम लोग आ चुके ऊपर। अभी भाई इससे बात कैसे करें यार? भाई यहाँ पर भी मीटियर्स गिर रहे, भाई समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड भाई, यही कोने पे रुक कर बात कर लेते इससे। हेलो भाई लावा गॉड, भाई तू सुन पा रहा है हमारी आवाज? हेलो भाई लावा गॉड। अरे यार पैंकिंग भाई रुको, मैं देता हूँ आवाज। भाई सिंचन तू इतना है छोटू सा, भाई तेरी क्या आवाज सुनेगा वो? रुको भाई मेरे पास एक फायर लॉन्चर, रुको भाई आप भी देखते। लेट्स गो गाइस, अब मजा आएगा इस लावा गॉड के ऊपर एक अटैक करके, देखता हूँ भाई कहीं ये सुन ना ले। हेलो भाई लावा गॉड, हेलो भाई साहब फट जा। हेलो हाँ भाई हो रहा, रुको काम। भाई साहब इसके आंखों के सामने कुछ करता हूँ, तब यार भाई आई थिंक उसको पता चलेगा कि उसको कोई आवाज देने के लिए ट्राई कर रहा है। हेलो भाई लावा गॉड, हेलो। अरे ये कौन कर रहा है? अरे भाई लावा गॉड नीचे देख, मैं हूँ फ्रैंकलिन। ओए फ्रैंकलिन तू यहाँ क्या कर रहा है यार? निकल जा यहाँ से वरना तेरी भी जान चली जाएगी आज। भाई तू ये सब कर क्यों रहा है? अरे फ्रैंकलिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर और ये सब बंद कर जो तू अभी कर रहा है। अरे यार भाई बता तो दे भाई क्या हो गया, तू इतना गुस्से में क्यों है? और भाई तू लॉस सैंटोस को तबाह करने के पीछे क्यों पड़ा है? अरे फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस के साइंटिस्टों ने मेरे चार बच्चों को अगवा कर लिया है और उन चारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू है। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे तेरे बच्चों के ऊपर? अरे हाँ फ्रैंकलिन, और इससे ज्यादा बुरा मेरे लिए कोई चीज भी नहीं है, तो मैंने आज ठान ली पूरे लॉस सैंटोस को तबाह करके रखूंगा। अरे भाई प्लीज मत कर यार, हम लोगों की क्या गलती इसके अंदर? अरे वही तो यार लावागढ़ भैया, हमारी क्या गलती इसके अंदर यार? प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं मैं तुम सभी को खत्म करके रख दूंगा, सभी की जान ले लूंगा जान। भाई लावागढ़ मत कर यार, भाई पूरे लॉस सैंटोस तबाह हो जाएगी यार। जिन लोगों की कोई गलती भी नहीं यार, तू उन सभी लोगों को सता रहा है यार। भाई एक काम करते है, तू मुझे कुछ ऐसी पावर्स दे दे यार, जिससे कि मैं तेरे बच्चों को छुड़ा लाऊं। अरे फ्रैंकलिन ऐसी पावर्स तो मैं नहीं दे सकता तुझे, पर यार अगर तू मेरे बच्चों को लाने का वादा करता है तो यार मैं कुछ देर के लिए मैं ये मिट्टी और शावर्स रोक सकता हूँ। भाई पक्का रोक देगा ना तू? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोक दूंगा, पर यार तुझे जाकर मेरे बच्चों को लाना होगा और तुझे वादा करना होगा कि तू लेकर आएगा उनको। यार वादा करना होगा? अगर भाई मैं नहीं लेके आया तो खत्म हो जाएगा पूरा लॉस सैंटोस। मुझे फिर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अबे यार भाई ये तो भाई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ठीक है भाई मैं करता हूँ। अरे यार फ्रैंकी बे तुम्हें पक्का लगता है तुम ला पाओगे? यार वो तो नहीं पता भाई, बट ट्राई तो करूंगा मैं। हो तो जाओ फ्रैंकली, जाकर लेके आओ मेरे चारों बच्चों को उन साइंटिस्टों के हाथों से, और फिर मैं इस लॉस सैंटोस को छोड़ के चला जाऊंगा।
अलावा। पर भाई तुझे एक काम करना होगा, अभी के लिए भाई ये सब रोकना पड़ेगा जब तक मैं वहाँ पर जाता हूँ। अच्छा ठीक है, रोक देता हूँ मैं। तो रोक दे भाई फटाफट से। ले फ्रैंकलिन, रोक दिया। ओ भाई साहब, इसने भाई रोक दिया फाइनली। अरे यार तो फ्रैंकी भैया तुम कब जा रहे हो यार उसके बच्चे को लाने के लिए? यार सिंचन मैं अभी जा रहा हूँ। भाई लाओगढ़ तू यही पर रुक, और सिंचन भी तेरे पास रहेगा यहाँ पे। तो जाओ फ्रैंकलिन फटाफट से लेके आओ। ठीक है भाई अभी जा रहा हूँ। ओ भाई मैं कूद गया भाई, चलो पैराशूट है मेरे पास भाई, अभी नहीं तो बहुत गंदा गिर जाता मैं। लेट्स गो गाइस, चलते फटाफट से अपने साइंटिस्ट लेबोरेटरी में, और भाई वहां पर जाकर देखते भाई उन्होंने अपने लावा गॉड के बच्चे को किडनैप क्यों किया यार। मतलब ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो यार उनको लावा गॉड के बच्चे को किडनैप करना पड़ा। अभी तो चलते यार फटाफट से अपने लॉस सैंटोस के सबसे बड़े लेबोरेटरी में, क्योंकि यार गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वहीं पर रख सकते लावा गॉड के बच्चों को यार, वो सबसे बड़ी लेबोरेटरी लॉस सैंटोस की। तो यार चलते भाई फटाफट से लॉस सैंटोस के सबसे बड़े लेबोरेटरी में गाइस। एंड आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चाओ गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो जाता हूं फटाफट से मैं बचाने के लिए लावा गॉड के बच्चों को, लेट्स गो। तो गाइस यार अभी मैं पहुंच चुका हूं उस लेबोरेटरी के पास में। अभी यार भाई मुझे कुछ एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे मैं अंदर घुस पाऊं यार, क्योंकि यार गाइस मैंने सुना है कि वहां पे बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है। तो गाइस यार अभी पता नहीं भाई क्या होने वाला वहां जाके, भाई कितनी बड़ी तबाही होने वाली। पर यार गाइस मुझे किसी भी हालत में यार लावा गॉड के बच्चों को वहां से निकालना होगा, नहीं तो यार भाई हमारा लॉस सैंटोस भी गया और मैं और सिंचन भी भाई साहब तबाह होने वाले आज। बट एक सेकंड भाई, एक काम करता हूं अपनी गाड़ी यहीं पर रोकूं क्या भाई? यार चलो ये जगह ठीक लगती मुझे। एंड एक सेकंड भाई मुझे देखने दो, एक सेकंड भाई वहां पे तो एक सिक्योरिटी गार्ड है ना। नहीं भाई ये तो आर्मी वाले है भाई। एक सेकंड गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा यार भाई अब मैं क्या करूं। गाइस यार वो देख रहे हो आप, वो सामने एक आर्मी वाला। एक सेकंड भाई आपको मैं स्नाइपर से दिखाता हूं। तो गाइस यार वो देखो यार, वो रहा एक आर्मी वाला। ओ भाई साहब उसने देख लिया मुझे। हट भाई साले, भाई साहब इनको कैसे पता चल जाता यार? वो देखो वहां पे एक भाई साहब। अच्छा हुआ मैं एक स्नाइपर लेके आया था अपने साथ। अबे चल भाई निकल। भाई साहब इन्होंने समझ क्या रखा यार मुझे? भाई यार वो देखो और एक गार्ड है, वो देखो भाई वहां पर चुपके बैठा। इसको लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। भाई साहब वो देखो अंदर भी बहुत सारे यार, मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला। ओ भाई साहब ये लोग तो बाहर आ रहे यार। भाई ये रिलोड क्यों हो रही है? एक सेकंड गाइस मुझे मारना होगा भाई, वो तो भाग रहा है यार। ये ले साले भाई, किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं भाई। और कहां पर? ये देखो ये एक रहा। और कहां पर है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, चुप चुप के मारना पड़ेगा। एक सेकंड भाई चलते यार सीधा अंदर। ओ भाई साहब वो वहां से गोलियां मार रहा भाई, यहाँ पर कवर लेना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस कहां से मार रहा था यार ये? रुको देखने दो। ओ भाई साहब ये देखो यार, भाई साहब चलो मर गया यार, मरने की हालत में था फिर भी यार गोलियां चला रहा है भाई साहब। इन आर्मी वालों को क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। लेट्स गो गाइस, अभी अपने सीधा शॉटगन लेके घुसते हैं अंदर। और भाई साहब इनको जो लगता है ना यार, ये लोग लावागढ़ के बच्चों को किडनैप करके रख सकते हैं भाई साहब, अभी इनको बताता हूं मैं। वो भाई साहब वो देखो वो एक भाई साहब, ये ले साले भाई क्या समझते हो? ओए भाई साहब ये देखो, ओए गोली मत चलाना भाई, पहले ही बोल रहा हूं। तू कैसे चला रहा है यार गोली? मैं तो चलाऊंगा भाई, तुम लोग ने लावागढ़ के बच्चों को किडनैप करके रखा है। मार दिया। अबे भाई चिल्ला मत, दिमाग मत खराब कर भाई। ये देखो ये यहां पे छुपा हुआ है और कितना। ओ भाई साहब भाई अच्छा हुआ कि इसने मारा नहीं मुझे, मुझे लगता है यार ये लोग मुझे किडनैप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट एक सेकंड भाई यहाँ की लाइट चली गई क्या? लगता तो ऐसा ही है। अरे चलो भाई आ गई लाइट। एक सेकंड भाई अभी जाकर देखते हैं अंदर और कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या। एक सेकंड भाई वो देखो वो क्या हो रहा है भाई? अरे वो तो नहीं लावागढ़ के बच्चे? अबे हाँ यार लगता तो वैसे ही है। और वो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं यार उनके साथ? गाइस मुझे बचाना होगा किसी भी हालत में। देखो यार चार चार लावागढ़ के बच्चे, और उसने भी वही कहा था कि उसके चार बच्चे। गाइस एक सेकंड यार, मुझे बिना लावागढ़ के बच्चों को कुछ काम किए भाई बचाना होगा। हेलो भाई डॉक्टर्स भाई चलो फटाफट से पीछे हटो। नहीं हट रहा था भाई, मैंने मार दिया इसको। और भाई तू हट रहा है? अरे प्लीज यार मत मारो, प्लीज 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 मत मारना मुझे। तो भाई तुम लोग मुझे एक बात बता, तुम लोगों ने क्यों किडनैप किया था इन लोगों को? अरे हम लोग तो बस इनकी पावर छीनना चाहते थे। क्या इनकी पावर छीनना चाहते हो? ये ले साले भाई इनकी पावर छीनोगे तुम? यार बिना मतलब तुम लोग की वजह से लॉस सैंटोस खत्म होने वाला था यार, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बट यार गाइस ये देखो यार लावागढ़ के बच्चे देखो, ये एक आई थिंक नॉर्मल बच्चे की तरह लग रहा है, और बाकी का ये देखो ब्लू कलर पर्पल ये रेड, भाई ये पता नहीं किस तरीके के बच्चे। बट यार खैर भाई इनको फटाफट से लेके चलते गाइस लावागढ़ के पास। एंड भाई लावागढ़ अभी बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि भाई उसको उसके बच्चे मैं उसको रिटर्न करने वाला। चलो भाई फटाफट से चारों जन मेरे साथ। चलो यार फटाफट से निकलते गाइस अभी इन चारों को लेकर यहाँ से यार, नहीं तो भाई और भी अगर ज्यादा मिलिट्री आ गई यहाँ पे, क्योंकि यार गाइस उन तक तो भाई अगर कॉल पहुंच गया ना कि भाई साहब कोई घुसकर लावागढ़ के बच्चों को लेके गया, तो भाई बहुत बड़ी तबाही होने वाली है यहाँ पे। उससे पहले यार एक काम करता फटाफट से यहाँ से निकलता इन बच्चों को लेकर। अभी यार भाई फटाफट से अपनी गाड़ी लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे। यार गाड़ी में दूर क्यों रख के आ गया? लेट्स गो भाई चलते। भाई साहब देख रहे हो भाई सारे आर्मी वालों को भाई मैंने मार दिया। भाई साहब देख रहे हो क्या ही तगड़ी तबाही कर दी मैंने यहाँ पे। फिलहाल तो भाई चलते फटाफट से गाड़ी लेकर। अबे आओ भाई बैठो फटाफट से सभी लोग। भाई ये देख रहे हो क्या ही कूद कूद के आ रहे यार ये लावागढ़ के बच्चे। अबे ये क्या कर रहा है गाड़ी के ऊपर गिर गया? भाई ये मर तो नहीं गया? अबे हाँ भाई ठीक है। अरे बैठो यार फटाफट से। तो गाइस यार मुझे मिल चुके लावागढ़ के चारों बच्चों। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इनको लग गई ना भाई लावागढ़ बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देगा मेरी। फिलहाल तो चलते भाई फटाफट से लावागढ़ के पास एंड देखते भाई वो कैसे खुश होने वाले अपने बच्चों।
को देखकर। गाइस यार यहाँ पे फिर से बारिश होने लग गई यार, मुझे लगता है भाई ये लावा गॉड फिर से अटैक करने वाला है। भाई साहब मुझे लेट तो नहीं हो गया? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। एक काम करता हूँ यार, फटाफट से लेके जाता हूँ यार इन सभी लोगों को यार सिंचन के पास। अच्छा हुआ कि मैं एक एंड टाइम पे आ गया, नहीं तो भाई ये कुछ ना कुछ तो अभी करने वाला था लावा गॉड ऐसा लग रहा है मुझे। बट वैसे भाई आ जाओ यार, तुम चारों के चारों मेरे पीछे आओ फटाफट से। भाई यहाँ से आगे से लिफ्ट है भाई, टेरिस पे जाना हम सभी लोगों को। चलो भाई ये लोग तो आ जाएंगे, फटाफट से भाई जाकर लिफ्ट बुलाता हूँ, लेट्स गो। अरे वाह यार फैंकी भैया, तुम तो लेके आ गए यार इसके सारे बच्चों को, अभी तो यार ये फिर से तबाह करने वाला था लॉस सेंटर्स को। अबे हाँ भाई सिंचन में एकदम टाइमिंग पे आ गया। वैसे भाई लावा गॉड ये देख रहा भाई तेरे चारों बच्चे आ गए यहाँ पे। क्या फ्रैंकलिन तुम सच्चे में लेके आ गए? अरे हाँ भाई थोड़ी नजर नीचे करके तो देख ले। अरे फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच यार, तुम तो मेरे बच्चों को लेके आ गए। अरे हाँ भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन यार, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। रुको मैं अभी तुम्हें सबसे ज्यादा अमीर इंसान बनाता हूँ लॉस सेंटर्स का। क्या भाई सच्चे में अमीर इंसान? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करने वाला है भाई तू? एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है यार? भाई मेरे अंदर से धुआं क्यों आ रहा है यार इतना ज्यादा? अरे फ्रैंकलिन थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें अभी मैं ऐसे सुपर पावर्स दे रहा हूँ जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा अमीर इंसान बना देगी। क्या भाई सच्चे में? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब से तुम जो भी मांगोगे सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ओ भाई सच्चे में? भाई मजा आएगा फिर तो। अरे हाँ हाँ थोड़ा सबर करो, अभी मैं और मेरे बच्चे चले जाते हैं टेलीपोर्ट। यार एक सेकंड भाई ये क्या हो गया यार? भाई ये लावा गॉड कहाँ चला गया यार? ये पूरा मौसम भी क्लियर हो गया यार गाइस, पर ये धुआं अभी तक रुका नहीं यार। ये कौन सी पावर देके गया ये लावा गॉड मुझे? अरे यार फैंकी भैया थोड़ी देर इंतजार तो कर लो, फिर देखते क्या होता है। एक सेकंड भाई ये तो रुक गया ना? अरे हाँ यार फैंकी भैया ये धुआं तो रुक गया यार, चलो फटाफट से कोई एक विश मांगो। भाई पर क्या मांगू कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक काम करो यार, ऐसा बोलो कि यार हम दोनों को सीधा नीचे टेलीपोर्ट कर दे। हम दोनों को यार फटाफट से नीचे टेलीपोर्ट कर दो। ये क्या हो गया भाई, हम दोनों सच्चे में नीचे आ गया भाई सिंचन? अरे यार मैंने तो कहा था यार ये होने वाला है यार। चलो यार अभी फटाफट से गोल्ड की सुपर कार मांगो, यहाँ पे एक बढ़िया से गोल्ड की सुपर कार आ जाए। एक सेकंड भाई ये तो सच्ची में आ गई। अरे यार फैंकी भाई ये तो मैकलेरन है यार। हाँ यार भाई सिंचन देख रहा मैकलेरन आ गई, वो भी गोल्ड की। हाँ तो यार चलो फटाफट से निकलते है। अरे हाँ यार गाइस अभी सिंचन और मैं घर पे जाके भाई साहब बहुत सारे गोल्ड और डायमंड मंगवाने वाले। तो गाइस यार आप सभी रेडी हो ना यार इतने सारे गोल्ड एंड डायमंड देखने के लिए? तो गाइस यार जाओ फटाफट से इस वीडियो का लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हाँ यार गाइस जाके फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड यार गाइस साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि यार आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस यार चलते फटाफट से अपने घर पे, लेट्स गो लेट्स गो। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे अपनी ये गोल्ड की गाड़ी लेकर। भाई साहब अभी तो यार भाई साहब बहुत कुछ करना बाकी है। अरे हाँ यार फैंकी भी अभी तो बहुत कुछ करना बाकी, चलो यार फटाफट से घर के अंदर। हाँ भाई सिंचन रुक जा भाई, कितना एक्साइटेड हो गया तू तो। भाई कल क्या हो गया? तो रुक जा भाई, अब तो देख मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे यार जितनी भी चीजें यार वो गोल्ड और डायमंड में चेंज हो जाए। ओ भाई सिंचन ये देखिए यार कितने सारे गोल्ड कितने सारे डायमंड। अरे यार फैंकी भी ये तो कितने सारे गोल्ड और डायमंड है यार। भाई साहब हम दोनों तो बिलियनर बन गए यार। भाई साहब ये तो अभी तो भाई शुरुआत है, अभी तो यार बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे यार गाइस आपको क्या लगता है यार मुझे इन पावर्स का इस्तेमाल करके और क्या क्या करना चाहिए, आप मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बता सकते हो। एंड यार आपकी भी कोई विश है तो यार मुझे कमेंट के अंदर वो भी बता देना, जो कि यार मैं पूरी कर दूं यार अपनी इन सुपर पावर्स से। तो गाइस यार जाओ फटाफट से कमेंट में मुझे बता देना। एंड यार आपने अभी तक इस वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो गाइस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अभी सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।